हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट कुकिंग विद उज़्मा। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा पाए। फ्रेंड्स, ये डिश जितनी खाने में मज़ेदार होती है, उससे कई ज़्यादा ये दिखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले एक बाउल में मैंने 1 कप लुकवॉर्म वाटर लिया है, उसमें मैं 1 टीस्पून शुगर ऐड करूँगी, अच्छे से स्टर कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट लूँगी और उसे दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे 5 मिनट्स के लिए ढककर रख दूँगी। आफ्टर 5 मिनट्स मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है और 1/2 टीस्पून सॉल्ट लेंगे और दोनों को अच्छी तरीके से छान लेंगे। अब मैं इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी करना है। कुछ टाइम बाद हमारा जो डो है वो थोड़ा स्टिकी हो जाएगा। इस स्टेज पर हमें थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना है और मैं इसे 5 मिनट्स के लिए फिर से अच्छे से नीट कर लूँगी। अब मैं इसे 2 आवर्स के लिए ढककर रख दूँगी। दूसरी साइड मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें मैं 1 चॉप्ड ऑनियन ऐड कर लूँगी और अच्छे से स्टर कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी और दोनों को अच्छे से मिक्स करके स्टर कर लेंगे। उसके बाद मैं कुछ बेल पेपर्स ऐड कर लूंगी और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन मैंने यहाँ पर फ्राइड श्रेडेड चिकन लिया है, उसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो गाइज, हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। सो फ्रेंड, दूसरी साइड हमारे जो डो को वो 2 आवर्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से राइज हुआ है। अब मैं इसे 2 मिनट्स के लिए अच्छी तरीके से नीट कर लूँगी। उसके बाद हम सरफेस पे थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और जो हमारा डो है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। यहाँ पर हम एक पोर्शन लेंगे और उसे अच्छी तरीके से राउंड शेप दे देंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा पाई ट्रे लिया है, इसे मैं अच्छी तरीके से बटर से ग्रीस कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें इसे अच्छी तरीके से हमें इसे सेट कर देना है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। फिंगर से हमें यहाँ पर साइड्स में भी अच्छी तरीके से प्रेस करना है और इसे सेट कर देना है। और जो साइड्स के कॉर्नर्स हैं वो मैं इस तरीके से इसे एक्स्ट्रा जो है वो निकाल लूँगी। अब हमें इसमें फोक की हेल्प से इसमें होल्स करने हैं ताकि जो हमारा ब्रेड है वो फूले नहीं। तो सबसे पहले हमें इसमें थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस जो है वो अप्लाई करूँगी। देन मैंने यहाँ पर मोज़रेला एंड चेडार चीज़ लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो हमने स्टफिंग रेडी किया था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अच्छी तरीके से इसे सेट कर लेंगे। देन फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेयोनीज़ लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स और थोड़े ओरिगेनो स्प्रिंकल करूँगी। देन फिर से हम एक चीज़ की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ ऑलिव्स लिया है, उसे भी अच्छे से ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डो का सेकेंड पोर्शन लिया है और अब हम इसे ओवल शेप दे देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ओवल शेप दे दिया है। अब हम एक नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ की हेल्प से यहाँ पर थोड़े थोड़े गैप में हमें इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। आप देख सकते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको कट्स लगाने हैं। अब हम इसको हमारे पाए के ऊपर इस तरीके से, जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं, हम इसे अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे
थोड़ा सा स्ट्रेच करना है हमें और इसे कवर करना है, थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, ज़्यादा नहीं करना है। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे साइड से प्रेस करना है। इसे भी हमें साइड से थोड़ा प्रेस करके जो हम एक्स्ट्रा है वो हम रिमूव कर लेंगे। अब हम हाथों से साइड्स के जो कॉर्नर्स है वो थोड़े से प्रेस करेंगे ताकि जो कॉर्नर्स है वो स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से। अब हम एक एग योक लेंगे और इसके ऊपर पूरा ब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर देंगे। एग योक अप्लाई करने के बाद मैं कुछ चिली फ्लेक्स इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, अब हमारा चिकन पिज़्ज़ा पाए बेक होने के लिए एकदम रेडी है। सो फ्रेंड्स, बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉट लिया है, उसमें मैंने एक स्टैंड रख लिया है और मैं इसे 5 to 6 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लूँगी। अब मैं इसमें हमारा जो चिकन पिज़्ज़ा पाए है वो इसमें रख दूँगी। हमें इसे लिड से अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसे 20 to 30 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, 30 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा चिकन पिज़्ज़ा पाए बनकर एकदम रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बनकर रेडी हुआ है हमारा चिकन पिज़्ज़ा पाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ स्मार्ट कुकिंग विद उज़्मा। एंड फ्रेंड्स, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड स्मार्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।